नीतीश अब पूरी तरह से चुनावी मूड में दिखने लगे हैं। तभी तो नीतीश ने महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए उसे उसकी औकात बताने में कोई कोर कसर नहीं रखी और महागठबंधन में शामिल पार्टियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सड़क पर से लोगों को उठाकर महागठबंधन में शामिल कराया जा रहा है। कोई भविष्य नहीं, आप समझ दे रहे कि भविष्य का निशानी है। सड़क पर कोई भेटा रहा उसको लेकर के और बड़ा मैंने खुशी मना रहा है, ये सब कोई कॉन्फिडेंस का चीज है? ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। शुरू से लोगों को लगता था कि आरजेडी में दम है और थोड़ा बहुत जो कमी है वो कांग्रेस के साथ हो गया। अब इसके बाद रोज खोज रहा है, इसका मतलब है दम नहीं है तभी ना। अगर दम रहता तो काहे के लिए किसी तरह से लोग सोचता, दम नहीं है इसलिए देख रहे हैं आज ये है कल वो है। ठीक ही है, अरे सबको अपना अपना अधिकार है, कोई जैसा भी करे, लेकिन इतना जान लीजिए बिहार के लोग काम पर ही वोट देंगे। सर मुख्यमंत्री का सवाल है, एक मिनट। सीएम नीतीश के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा उनकी गरिमा को गिरा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब्यूजल इंस्टीट्यूट चलाते हैं और अपने नेताओं को बदजुबानी की ट्रेनिंग देते हैं। चाहे नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, सूर्पनखा बोले या क्या क्या ना बोले, ये तो नीतीश कुमार जी का ही डिक्टेट किया हुआ लिखा हुआ सारी बातों को उनके प्रवक्ता बोलते हैं। और इसकी ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूट जो है वो एक अन्य मार्ग स्थित द नीतीश कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ अब्यूजिंग एंड एक्सक्यूज का जो इंस्टीट्यूट है, जो अब्यूजिंग कैसे कितना मात्रा में किसको गाली देनी है, कौन प्रवक्ता किसको कितनी गाली देगा, कितने मात्रा में गाली देगा। हालांकि सीएम के इस बयान पर अभी अभी महागठबंधन में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। समुदाय या यहां तक कि बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी की इस बात को सुनकर आहत होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी ने इस तरह का बर्ताव किया है। तो हम उनसे सब लोग मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी वापस ले अपने शब्दों को, बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके प्रतिरोध में कल पूरे बिहार में तमाम जिला मुख्यालयों पे हमारे महागठबंधन के सभी दल के लोग पुतला दहन करेंगे मुख्यमंत्री जी का। नीतीश पहली बार महागठबंधन को लेकर तेवर में हैं और नीतीश का ये तेवर बताने के लिए काफी है कि बिहार में एनडीए इतनी आसानी से महागठबंधन की राह आसान नहीं होने देने वाला। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।